ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। भाग रही हो, वो कहाँ हाथ आने वाला है? तो तुम्हें एक सजा दे ही दी है, फिर तुम खुद को सजा क्यों देती रहती हो? ताकि उस भगवान से पूछ सकूं कि दुनिया भर के रंजो गम उसने मेरी ही झोली में क्यों डाल दिए। आंखें खुली तो मां का चेहरा देखने को तरस गई, और जब कोई इन आंखों में बसा तो उसे भी उसने मुझसे छीनकर इन आंखों को फिर से सुना कर दिया। बेटी, वो देता भी है और छीनता भी है, ये उसका निशान है। मैं और बापों की तरह तुमसे ये नहीं कहता कि विजय को भूल जाओ, मैं तो ये कहता हूं कि तुम विजय का इंतजार करो, लेकिन इंतजार के इन 5 सालों में तुम्हें खुद भी तो छीना होगा। बेटे, रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाओ। आओ बेटे। विजय, तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल है। क्या तुम जेल से छूट गए? नहीं, छोड़ दिया जाऊंगा अगर कल के इम्तिहान में कामयाब हो गया तो। कैसा इम्तिहान है? एक इम्तिहान। मेरा इम्तिहान? अरे मेरा इम्तिहान क्यों लेंगे तुम्हारे डैडी? क्यों नहीं लेंगे? आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, जानना चाहेंगे कि जिस लड़की शादी मैं कर रही हूँ मुझे खुश रख पाएगा भी कि नहीं। मेरी शक्ल देख के वो पहचान जाएंगे? और नहीं तो क्या, पुलिस वाले है वो। जिनकी जिंदगी चोर उचक्कों को देखते देखते गुजरी हो वो मेरे जैसे शरीफ आदमी को क्या पहचानेंगे? आप कितने शरीफ हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्यों, मैंने क्या किया? मेरी सहेली सोने के साथ कल कैंटीन में क्या कर रहे थे? हाँ, थोड़ा सा रोमांस। क्या? अरे वो कह रही थी दीपक आई लव यू। तो तुमने क्या कहा? तो मैंने भी वही कह दिया। तो फिर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शर्मिला, आई लव यू। अरे मेरी बात तो सुनो। गो टू हेल। Thank you.
जिस काम को हम और तुम मिलकर कर रहे हैं उसके लिए इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहां ना तो कोई आंख हमें देख सकती है और ना ही कोई कान हमारी बातें सुन सकता है। मैंने अपना काम कर दिया, उम्मीद है आप भी अपना वादा जल्द ही पूरा करेंगे। हेलो, मैं यशवंत देशमुख बोल रहा हूं। यस सर, हमारा काम हो गया है। विजय श्रीवास्तव यहां से जेल के लिए निकल चुका है, बाकी तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो जलाल साहब की मर्जी से बाहर गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जलाल साहब से पूछ लीजिए, वो आ रहे हैं जलाल साहब। जलाल साहब, इन्हें जरा सच्चाई बता दीजिए। बंद कर दो इसे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता, ये खेल तू मेरे साथ क्यों खेला? क्यों खेला? क्यों खेला? मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, वेलकम यशवंतराव देशमुख हियर। नाइस मीटिंग यू। प्लीज। थैंक यू। यशवंत देशमुख, आप जानते हैं कि मैं शहर में क्यों आया हूं? क्योंकि सरकार ने आपका ट्रांसफर इस शहर में कर दिया, इसलिए। आईजी प्रताप सिंह का ट्रांसफर कोई और नहीं, वो खुद करता है। और मैं शहर में इसलिए आया हूं ताकि उस माइक लाल का पता लगा सकूं जिसने आईजी प्रताप सिंह के घर में डाका डालने की हिम्मत की है। आपके घर में डाका? यह है मेरी बेटी शर्मिला। हेलो। जिसके मंगेतर को 2 दिन पहले किडनैप कर लिया गया। आप सब लोग सो रहे थे? अगर 48 घंटे के अंदर आप सब लोगों ने दीपक को ढूंढ नहीं निकाला तो ना आप लोगों के जिस्म पे यह वर्दी रहेगी और ना ही शहर के अंदर कोई गुंडा। यह है दीपक की तस्वीर। दीपक हीरालाल का बेटा जरूर है, लेकिन वो आईजी प्रताप सिंह का होने वाला दामाद भी है। आईजी ने उसे ढूंढने के लिए एक भी कदम उठाया तो सीधा हम लोगों तक पहुंच जाएगा। देशमुख, दुश्मन को अकलमंद समझना समझदारी की बात है, लेकिन उससे बड़ी बेवकूफी की बात है खुद को बेवकूफ समझना। दीपक को किडनैप तो हम किसी मामूली कुत्ते से भी करवा सकते थे, लेकिन विजय श्रीवास्तव का इस्तेमाल क्यों किया? ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो विजय श्रीवास्तव पकड़ा जाए, हम नहीं। अब फिर आईजी प्रताप सिंह जिस रास्ते पर भी कदम रखेगा उसकी मंजिल होगी विजय श्रीवास्तव, तिरकाल नहीं। इसलिए जब तक हीरालाल जेल से बाहर आकर हमें वो पेपर्स नहीं देता तब तक पुलिस वाले का दामाद मुजरिमों की जेल में ही रहेगा, समझे देशमुख? लेकिन आप त्रिकाल को कैसे जानते हैं? त्रिकाल हर बदनसीब आदमी का मुकद्दर है। मतलब? त्रिकाल जैसा इंसान जिसका दोस्तों से दुश्मनों की क्या जरूरत है। मैं भी उन बदनसीबों में से हूं जिससे दुश्मनों ने नहीं दोस्तों ने मारा है। कितना भरोसा था मुझे त्रिकाल पर, खैर जाने दो। कौन है ये? मेरा बेटा है।
अगर दीपक हीरालाल का बेटा है तो कमीने देशमुख ने झूठ क्यों बोला कि वो डॉन का बेटा है? अरे भाग गया। हेलो, त्रिकाल सेठ बोल रहा हूँ। विजय श्रीवास्तव जेलर को मारकर जेल से भाग गया है। क्या? देशमुख साहब, आजकल विजय श्रीवास्तव कहाँ है? शमशेर सिंह की जेल में है, जहाँ से सिर्फ उसकी लाश ही बाहर आ सकती है। वो नहीं, इडियट, उल्लू के पट्टे, वो तेरे शेर को गीदड़ की मौत मारकर जेल से फरार हो चुका है। दादी, यही है वो आदमी जिसने दीपक को किडनैप किया है। सिगरेट और शराब दोनों ही इंसान की जान ले लेती है, लेकिन मैं इन्हें तुम्हारी जान लेने नहीं दूंगा। क्योंकि तुम्हारी जान मैं लूंगा। खाना खाओ त्रिकाल, वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। विजय बेटे, तुमने सुना होगा, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। बरसूंगा त्रिकाल, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आज नहीं। क्यों? आज क्या माँ का दूध पीकर नहीं आए हो? माँ के दूध के साथ साथ बाप के खून का भी हिसाब लूंगा त्रिकाल, लेकिन 15 अगस्त को, क्योंकि उस दिन मैं तुझ जैसे देशद्रोही के सीने में अपने देश का तिरंगा गाड़कर अपनी वतन परस्ती का सबूत दूंगा। तब तक मेरे डर से हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मरोगे। जिंदगी और मौत का खेल उस दिन तक चलता रहेगा जब तक हीरालाल के बेटे की सांसें चलती रहेंगी। गुड नाइट। विजय, पिताजी कहते हैं जहां आज ज्वालामुखी है वहां उससे पहले मीठे पानी का झील था, और फिर मीठे पानी का झील होगा। इस वक्त तुम्हारे सीने के अंदर भी एक ज्वालामुखी है। जब तक ये ज्वालामुखी फटेगा नहीं, जब तक अंदर का लावा बहेगा नहीं, तुम अंदर ही अंदर इस ज्वालामुखी की तरह झुलसते रहोगे। इसलिए जाओ और अपने सीने के अंदर की दहकती आग को त्रिकाल के खून से बुझा डालो। विजय, उस जगह का पता चल गया है जहां से त्रिकाल गैर कानूनी बारूद दूसरे मुल्कों में भेजता है। तुम
पहचान गया अपने बाप को। तूने मेरे घर को बारूद से उड़ाया था ना, आज मैं तुझे भी उसी तरह मिटा दूंगा। नहीं, 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 माफ करो। नहीं, 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 मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। नहीं, मरने से पहले आखिरी सिगरेट पी ले, तेरी सांस उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये सिगरेट तेरे मुंह में जलता रहेगा। त्रिकाल स्पीकिंग। जिस बारूद के ढेर पे बैठकर तू दूसरों की जिंदगी का फैसला किया करता था ना, उसी ढेर को मिटाकर मैंने तेरी कब्र खोद दी है। यकीन नहीं आता तो अपने गोडाउन के धमाकों की आवाज को सुन। त्रिकाल नाम है मेरा। मैंने पूछा आपसे। जी बाहर जाइए, इजाजत लीजिए, फिर अंदर आइए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी नहीं, मैं तो कुत्ते से कह रहा था। आउट आउट आउट। अजीब आदमी है। मे आई कम इन? कम इन, बैठिए। ये अंदाज मुझे अच्छा लगा। सर, कल रात मिस्टर त्रिकाल के गोडाउन को विजय श्रीवास्तव नाम के एक आदमी ने जला दिया। इन्होंने उसका भी कुछ जलाया होगा। मिस्टर प्रताप, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बहरा नहीं हूं। शुक्र है आप तो बच गए। मुझे जलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। जलाए तो आप भी जाएंगे आपके मरने के बाद। मिस्टर प्रताप सिंह, मैं यहाँ आपके घटिया जोक सुनने के लिए नहीं आया। तो आप भी कोई अच्छा सा जोक सुना दीजिए ना। जोक नहीं, एक हकीकत सुनिए। मेरा दामाद यहाँ मिनिस्टर है। अगर 24 घंटे के अंदर आपने विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार नहीं किया तो आपकी ये कुर्सी बाकी नहीं रहेगी, समझे? मिस्टर त्रिकाल, तुम्हारा दामाद अपनी कुर्सी के लिए हर 5 साल के बाद झोली फैलाकर भिखारियों की तरह गली गली भटकता है, लेकिन ये IPS ऑफिसर ना किसी की दया का मोहताज है और ना किसी के बाप से डरता है। अगर मेरी सिगरेट खत्म होने तक तुम खुद इस ऑफिस से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हें धक्के मार कर यहां से बाहर निकाल दूंगा। कात्रे, विजय श्रीवास्तव जेलर को जान से मार कर जेल से फरार हो जाता है और सेठ त्रिकाल के गोडाउन को आग लगा देता है। क्या वजह हो सकती है इसकी? पुरानी दुश्मनी।
लेकिन विजय श्रीवास्तव ये काम 25 फरवरी को भी कर सकता था, क्योंकि 25 फरवरी को नासिक जेल में होने के बजाय वो बंबई शहर में था, जहां मेरी बेटी की आंखों के सामने उसने दीपक को किडनैप किया था। ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता नहीं, यही हुआ है। विजय श्रीवास्तव जेल से बाहर आता है और वापस जेल चला जाता है। अगर उसे जेल से भागना ही था तो वापस जेल क्यों गया? कात्रे, तुम दीपक की मां पर नजर रखो। क्यों सर? जिसका बेटा 3 दिन से लापता हो और उसने अब तक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, इसके पीछे जरूर कोई राज है। थैंक यू सर। सर, आपने मुझे बुलाया है। ये जो कड़क वर्दी से अकड़े जा रहे हो ना, थोड़ी सी कलम हिला दी तो आपका ट्रांसफर ये महानगर से सीधे गंगानगर हो जाएगा, जहां ना ही गंगा बहती है और ना ही गंगा जल मिलता है। मेरी गलती क्या है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। विजय श्रीवास्तव अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हमने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है, उसे देखते गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करके क्या करोगे? वो कोई देश का नेता है जो आजादी के लिए लड़ रहा है और आप कहते कि गिरफ्तार कर लेंगे? अरे, देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर दीजिए, समझे? यस सर। अब आप फौरन जाइए, वरना जब तक आप रोड पे पहुंचेंगे वो एक अदौर को टपका चुका होगा। जाइए। यस सर। विजय, काल के पास तू कुत्ते। पुलिस उसे कुत्ते की मौत मार ही दे। हेलो। जिन लोगों की आड़ में छुपकर तो शेर बन रहा था, उनमें से एक और की लाश सोरा फाउंटेन पे पड़ी है। लाश? अगर यकीन नहीं आता तो जाकर अपनी आंखों से देख ले। मंत्री जी, मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दीजिए। क्यों, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? वो दरअसल मुझे दमे की शिकायत हो गई है और समुद्र का किनारा मुझे सूट नहीं कर रहा। समुद्र का किनारा सूट नहीं कर रहा है? अच्छा, या विजय श्रीवास्तव का धमाका सूट नहीं कर रहा है? विजय, विजय, कमीना देशमुख आज रात को एक म्यूजिक कंपनी के सालाना फंक्शन में चीफ गेस्ट बनके जा रहा है। कहाँ? भाईदास हॉल। सर, आपका फोन। हेलो, त्रिकाल स्पीकिंग। त्रिकाल, बचा सकते हो तो बचा लो अपने पालतू कुत्ते देशमुख को, क्योंकि आज रात का फंक्शन उसकी जिंदगी का आखिरी फंक्शन होगा। Thank you.
मैं आशिक हूँ, मैं परवाना, हसीनों का मैं दीवाना। मैं आशिक हूँ, मैं परवाना, हसीनों का मैं दीवाना। तेरे जैसा कोई जहाँ भी नहीं, जमीन पे नहीं आसमां पे नहीं। हाँ मेरी जुदा आशिकी है क्या जिंदगी है।
भाइयों और बहनों, यशवंत देशमुख, जिनको सारा शहर शेर के नाम से जानता है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी म्यूजिक कंपनी आफ्ताब म्यूजिक इंडस्ट्रीज यानी कि एस सीरीज के सालाना जलसे में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगी कि वो खुद अपने बारे में आपको कुछ बताएं। यशवंत देशमुख। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। ये लीजिए, जिंदगी भर वो पढ़ते रहे हो जो त्रिकाल ने लिखा है, आज वो पढ़ो जो विजय श्रीवास्तव ने लिखा है। विजय श्रीवास्तव। तुम्हारे गले में जो हार है उसमें एक बम है। हार उतारने की कोशिश नहीं करना क्योंकि रिमोट मेरे हाथ में है। अगर तुमने इसी वक्त अपने जुर्म का इकबाल नहीं किया तो बटन दबाते ही तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि गिनते गिनते तुम्हारे औलाद की उम्र गुजर जाएगी। मिस्टर देशमुख, प्लीज कम। भाइयों और बहनों, दुनिया कहती है कि मैं कानून का एक वफादार सिपाही हूं। दरअसल हकीकत कुछ और ही है। मैं शेर नहीं, कुत्ता हूं मैं, पालतू कुत्ता। ऐसा कुत्ता जो झूठी हड्डियां चाटने के लिए हमेशा मुजरिमों और देशद्रोहियों का साथ देता रहा है, उनके सामने दुम हिलाता रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप लोग नहीं जानते हैं, मैं ही वो आदमी हूं जिसने इस मुल्क के गद्दारों से मिलकर आतंकवादियों को बारूद बेचा, लोगों के खून से होली खेली, सुहागनों को विधवा बनाया, मासूमों की जान ली। मैं ही वो आदमी हूं। शहर में बम फटने से जितनी भी जाने गई उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझ जैसे कुत्ते को फूलों का हार नहीं जूतों का हार पहनाना चाहिए। क्या हो रहा है जी प्रताप सिंह? पहले तो वो सिर्फ आम आदमियों को मार रहा था, अब उसे पुलिस वालों की भी जान लेनी शुरू कर दी। इस बात का कोई सबूत नहीं है जनाब मिनिस्टर साहब कि यशवंत देशमुख का कत्ल विजय श्रीवास्तव ने किया है, नंबर एक। और नंबर दो, यशवंत देशमुख ने खुद इस बात का इकबाल किया था कि वो एक पुलिस वाला नहीं कुत्ता था, और कुत्ते को मारना इस देश में जुर्म नहीं माना जाता। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैं खुद इस कुत्ते को नहीं मार सका, लेकिन बचे हुए कुत्तों को मैं जरूर मारूंगा। तुम यहां क्यों आई हो? अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगनी। क्या हुआ मेरे बेटे को? हुआ तो नहीं, अगर हो जाएगा, अगर आपने वो बैग त्रिकाल को नहीं दिया जिसमें उसकी जिंदगी बंद है, लौटा दीजिए वो बैग, वरना वो हमारे बेटे को मार डालेगा। वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। उस कसाई का क्या भरोसा? कसाई बकरे की जान तभी लेता है जब उसके हाथ में छुरा होता है, और त्रिकाल के हाथ में इस वक्त छुरा नहीं बल्कि मेरे हाथ में है, इसलिए अब सौदा होगा। May I come in, sir? Come in. बोलो कात्रे। सर आपका शक बिल्कुल सही निकला, दीपक का बाप मरा नहीं बल्कि जिंदा है और पिछले 14 साल से सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। और कुछ? हीरालाल त्रिकाल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसका पार्टनर था,
और एक इंस्पेक्टर के कत्ल के सिलसिले में उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। तब तो इस हीरालाल से हमें फौरन मिलना चाहिए। सर, आप और यहाँ क्यों? मेरा यहाँ आना मना है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, आप फोन कर देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। तिवारी, चमचागिरी बंद करो और कुछ काम करो। आज इस देश को चमचों की नहीं तमंचों की जरूरत है, समझे? जी, समझ गया। कैदी नंबर 214 को बुलाओ। सर, वो तो कल रिहा हो गया। कल? लेकिन उसकी सजा तो 27 तारीख को खत्म होने वाली थी। सर, वो तो जबान क्यों लड़खड़ा रही है तिवारी? कहीं जेब ज्यादा तो नहीं भर ली तुमने? सर, मैंने कुछ नहीं किया, हमारे मिनिस्टर साहब का फोन आया था कि उसे रिहा कर दिया जाए। कल क्या गांधी जयंती थी? जी। गांधी के इस देश में कैसे कैसे हरामी पैदा हो गए हैं। आइए प्रताप सिंह जी, आइए। क्या मैं जान सकता हूँ कि हीरालाल नाम के कैदी को आपने वक्त से पहले क्यों रिहा करवाया? उसका चाल चलन बहुत अच्छा था। ये ख्याल आपको उसके 14 साल सजा काटने के बाद आया, जबकि उसकी रिहाई में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ मैं? हम मिनिस्टर लोग ऐसा छोटा मोटा काम तो यूं ही करते रहते हैं। काम जरूर छोटा है मिनिस्टर डीपी सिंह, लेकिन खेल बहुत बड़ा है। जो शुरू होता है दीपक सिंह की किडनैपिंग से, और फिर उसकी अगली कड़ी मिलती है विजय श्रीवास्तव का जेल से भागना, त्रिकाल का गोडाउन जलाया जाना, गोगा की मौत, और फिर यशवंत देशमुख का वो बयान जो उसने तमाम जनता के सामने दिया था। इसके बीच में मैं कहां से आ गया? अगर बीच में आए तो ऐसा पीसूंगा कि दोबारा तुम्हारी औलाद भी पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखेगी। गुड डे। ससुर जी मुझे बचा लीजिए, वरना आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। क्या हुआ दामाद जी, बताइए तो। पजामे का नाड़ा टूट गया है, इज्जत उतरने वाली है अब। कोई बात नहीं, आज से पतलून पहनना शुरू कर दो। वो पतलून भी उतार देगा, उसका नाम आईजी प्रताप सिंह है। ये अजीब मुल्क है दामाद जी, यहाँ माएं बुजदिल बेटों का नाम भी बहादुर रखती हैं। तो तुम प्रताप के नाम से क्यों डरते हो? तो फिर जल्दी से पेपर हासिल कीजिए ना। तुम फिकर मत करो, हीरा लाल के आते ही उसको और उसके बेटे को हमेशा के लिए सुला दूंगा। क्यों, आप लोरी गाएंगे क्या? क्या नहीं, मेरा मतलब है कि जो आदमी ने 15 साल तक जबान नहीं खोली वो अब क्या खोलेगा। लो आ गए हीरा लाल जी। आओ आओ हीरा लाल। अरे भाई, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई जेल में? उसकी तकलीफ को छोड़िए, अपनी तकलीफ के बारे में सोचिए ना। एक तकलीफ थी त्रिकाल, कि तुझ जैसे देशद्रोही की गर्दन मेरे हाथों से बहुत दूर थी। गधे हो तुम जो मुझे देशद्रोही कह रहे हो। अरे मुझसे बड़ा देशभक्त तो तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। सरकार इनको दिल्ली बुलाकर बहुत जल्द इनाम भी देने वाली है। दिल्ली में तिहाड़ जेल भी है, जहाँ एक ही झटके में आदमी की जबान उसके हलक से बाहर निकल आती है। हमारी जबान बाहर निकाल देंगे। जायलाग बोलने का शौक है तो छोटे मोटे कलाकारों के सामने बोला करो, अपने बाप के सामने नहीं। कागजात कहाँ हैं? मेरा बेटा कहाँ है? तुम कागजात मेरे हवाले कर दो, तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। पहले मेरा बेटा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। पेपर्स कहाँ हैं? पहले मेरा बेटा मुझे दे दो त्रिकाल, उसके बाद पेपर दूंगा। लटका दो इस हरामजादे को, ले जाओ। बांध दो बाप को बेटे के साथ, लटका दो। जीते जी तो न मिल सके, कम से कम मरने से पहले तो जी भर के देख ले।
पिताजी। डाल दो इनके जिस्म पे बारूद। हीरालाल, बारूद के बाद हम तुम दोनों के जिस्म में आग नहीं लगाएंगे, बल्कि उससे भी खतरनाक सजा देंगे। हीरालाल, मैं एक कप कॉफी 7 मिनट में पीता हूँ और इतनी ही देर में मेरे कुत्ते 70 किलो गोश्त खा जाते हैं। अगर मेरी कॉफी खत्म करने तक तुमने उन कागजात का पता नहीं बताया तो मेरे कुत्ते तुम्हारी जिस्म पर लगी हुई बारूद को सूंघते ही तुम्हें फाड़ कर खा जाएंगे। फैसला कर लेना, जिंदगी चाहिए या मौत। दीपक, मेरे बेटे। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मेरी जान बचाने के लिए फिर से आपने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। और कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे बेटे। मैं जानता था कि त्रिकाल दोगलापन जरूर करेगा, इसलिए मैं पेपर्स नहीं बल्कि ये लाया हूं। देख। बस एक बार ये रस्सी खुल जाए उसके बाद यहां से बाहर कैसे जाना है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। पिताजी, ऊपर आइए। सेठ, आपके सारे फॉरेनर दोस्तों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। साले उल्लू के पट्टे, शक्ल तो अच्छी नहीं है, कम से कम खबर तो अच्छी लाकर। दामाद जी, तुम इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? वो बाजी खेल चुके, अब बारी हमारी है। What? दीपक,
दीपक। ये तो जिंदा है, इसे फौरन नई गाड़ी में डालकर अस्पताल ले चलो। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए एक मिनट के अंदर चार दीवारी के बाहर चले जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम लोग खुद हो गए। तुम्हारा कफन, तूने मिनिस्टर की बेइज्जती की है। बेइज्जती उसकी की जाती है धरपकड़, जिसकी कोई इज्जत हो। तेरा मतलब है मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं ये जनता का चुना हुआ मिनिस्टर हूँ। इन कागजात को उठाकर देख, जिसमें साफ साफ लिखा है कि तू मिनिस्टर नहीं, एक भड़वा है। भड़वा बड़वा बोला हराम सादे, मैं तेरी वर्दी उतार दूंगा। ये वर्दी हिंदुस्तानी पुलिस की है, तेरे सर की टोपी नहीं, जिसे जब चाहे तू उतार दे। अब पहन इसे और चुपचाप चल मेरे साथ। इनको हथकड़ी मैं पहनाऊंगा। सिंह, आईजी प्रताप सिंह, छोड़ दो मेरे दामाद को, नहीं तो लाशों के ढेर बिछा दूंगा। तेरे सम्मान के लिए मेरे पास इससे अच्छा हार था ही नहीं। ससुर जी, मैं आ रहा हूँ। साधा, भून दो सालों को। नहीं, हट जाओ। तू अभी तक जिंदा है? हाँ, मैंने तुझे कहा था ना त्रिकाल, कि 15 अगस्त तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। Yeah!
अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय श्रीवास्तव ने उन लोगों की जान ली जो खुद कातिल थे, देशद्रोही थे। जिस तरह जंग में दुश्मन को गोली मारने पे सजा नहीं सुनाई जाती बल्कि मेडल दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है, ठीक उसी तरह विजय श्रीवास्तव को भी देश के इन गद्दारों की जान लेने के लिए सजा नहीं इनाम दिया जाना चाहिए, कैद नहीं आजादी दी जानी चाहिए। लिहाजा ये अदालत विजय श्रीवास्तव को बाइज्जत बरी करती है। घनश्याम दास जी, ये साड़ियां आप एक तरफ रख दीजिए। ठीक है सर। और नाना भाई जी, जी आप इन ज्वेलरीज का बिल ऑफिस भिजवा दीजिए। विजय दूध तो पी ले बेटा, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। रुको ना मौसी, खाने पीने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। ये हार हटा दीजिए, ये इतना भारी है कि मेरी मधु की गर्दन लचक जाएगी। बेटा पहले दूध तो हे भगवान, दूध गिर गया। तो क्या हुआ, आसमान थोड़े ही टूट पड़ा है। ये अपशकुन है बेटा। अरे मौसी, 20वीं सदी में रहकर तुम 13वीं सदी की बात करती हो। नाना भाई जी, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। हेलो, मैं जज अमरनाथ बोल रहा हूँ। बोलिए जज साहब, मैं विजय की मौसी बोल रही हूँ। शगुन का सामान तो वापस मिल गया होगा। वापस? मैं समझी नहीं। मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन क्यों? मैं मानता हूँ कि बेटी पराई अमानत होती है, लेकिन इतनी भी पराई नहीं कि उसे किसी भी खूंटे से बांध दिया जाए। ये आप क्या कह रहे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक नाजायज औलाद को जायज दामाद नहीं बनाना चाहता, जिसके न धर्म का पता है न जात का, उसे मैं अपनी बेटी का सुहाग नहीं बनाना चाहता। जी, ये साड़ियाँ कहाँ रख दूँ? बाहर कचरे के डिब्बे में। जी तुमने सुना नहीं, ये सब उठा के ले जाओ यहाँ से, फेंक दो इन्हें घर से बाहर। मौसी ये क्या कह रही हो तुम? मुद्दतों के बाद तो खुशी की एक किरण घर में आई है, उसे भी बाहर फेंक देना चाहती हो तुम? क्यों मौसी क्यों? काश मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया होता। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पाला तो है तुमने। यशोदा देव की नहीं बन सकी कभी। कौन कहता है? ये दुनिया। मैं नहीं मानता ऐसी दुनिया को। इसी दुनिया में अमरनाथ भी रहते हैं। जज साहब क्या कहा उन्होंने? तेरी शादी मधु से नहीं हो सकती। क्यों, क्या कमी है मुझ में? तेरे पास तेरे बाप का सर्टिफिकेट नहीं कि तू उसका बेटा है। तू जायज नहीं, नाजायज है। तू हरामी है। साहब ये सामान जज साहब ने वापस भेजा। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं इस दूध की तरह मेरी मां की छाती से दूध का एक कतरा जमीन पे ना गिरकर मेरे मुंह में गिर गया होता तो आज मुझे कोई हरामी ना कहता, नाजायज ना कहता। बाकी दूध का गिरना अपशकुन होता है, बहुत बड़ा अपशकुन। बहन जी, आपने मेरी बेटी का रिश्ता मंजूर करके मेरी इज्जत रख ली,
आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नमस्ते। चल चुप हो जा, तेरे पापा को फोन करती हूँ। आई लव यू। चल लो, ये आ गए। मैं आप ही को फोन करने जा रही थी। क्यों, कोई खुशखबरी है क्या? सुनोगे तो खुशी से नाचने लगोगे। अरे वाह, तो लो हम पहले से ही नाच लेते हैं। सुनो ना, जज साहब आए थे, अपनी बेटी का रिश्ता हमारे राजा के साथ तय कर गए। क्यों आई है यहाँ? आपसे भीख मांगने। भीख में इंसान दो पैसे या दो रोटी देता है, अपने जिगर के टुकड़े या अपने खानदान की इज्जत नहीं देता। जज साहब, मैंने विजय को अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अपनी छाती से लगाकर उसे पाला जरूर है। मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसके दिल की धड़कनों को मीलों दूर बैठकर मैं सुन सकती हूँ। अगर उसे मधु का प्यार नहीं मिला तो वो खुद को मिटा देगा। जज साहब, वो खुद को मिटा देगा। जो इंसान पाप के बीच से पैदा हुआ हो उसका मर जाना ही बेहतर है। डैडी, विजय की जिंदगी कोई आपकी अदालत का मुकदमा नहीं है। जिसका फैसला जब चाहा आपने सुना दिया, वो मेरा प्यार है, मेरा सुहाग है। आपको कोई हक नहीं है कि मेरे माथे से विजय के नाम का सिंदूर मिटा दे। मधु, चिल्लाकर आप हमारे प्यार की आवाज को दबा नहीं सकते। हमने मोहब्बत की है और इस आग को जो भी बुझाने की कोशिश करेगा बहुत जलकर राख हो जाएगा। मत! मारिए और मारिए, आप आपका हक वसूल कीजिए और मैं महबूबा का फर्ज अदा करूंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक क्यों गए जज साहब, चलाइए गोली। मेरी जिंदगी तो मेरे बेटे के काम नहीं आई, शायद मेरी मौत ही उसके लिए वरदान बन जाए। Get out from here! जा रही हूँ जज साहब, लेकिन एक बात याद रखिए, इन मोटी मोटी किताबों से आदमी इंसान नहीं बन पाता। इंसान बनने के लिए उसे दुनिया की भट्टी में तपना पड़ता है। आप तो इंसान भी नहीं बन पाए, फिर आपको जज किसने बना दिया? क्या हूं मौसी? कुछ नहीं, घर ले चल मुझे। मौसी! मौसी तो घर में नहीं है, वो तो जज साहब के यहाँ गई है। जज साहब के यहाँ? जी हाँ। साहब 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 साहब, मौसी। क्या हुआ मौसी को? मौसी बाहर गाड़ी में है साहब। बाहर गाड़ी में? जी। आखिर वही किया ना तुमने जो मैं नहीं चाहता था। टेक दिया ना उस मगरूर जज के कदमों में अपना माथा, जिसने हमारी पगड़ी को ठोकर मारकर उछाला था। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बस एक तुम ही थी इस दुनिया में जिसने मुझे अपनाया, छाती से लगाकर पाला, सर उठाकर जीना सिखाया, और आज तुम भी इस बेरहम दुनिया की तरह मुझे एहसास दिलाना चाहती हो कि मैं एक गटर का कीड़ा हूं, मेरा कोई वजूद नहीं। तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी मत हो। मेरी जिंदगी तो पहले ही बोझ बन चुकी है, तुम मेरे प्यार को भी बोझ बना देना चाहती हो। क्या समझती हो कि मैं मधु के बगैर जी नहीं सकता? अरे जब मैं उस मां के बगैर जी सकता हूं जिसने मुझे अपने पेट से निकालकर कटर में फेंक दिया, तो मधु क्या चीज है? जवाब दो मौसी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जवाब दो मौसी, मौसी, मौसी। देख और रो मेरे मुकद्दर पर, मेरी किस्मत लिखते वक्त तेरे हाथ नहीं कांपे। सब कुछ तो छीन लिया था तूने मेरा, इस आखिरी सहारे को भी छीन लिया। तू भगवान नहीं, एक मामूली इंसान बनकर रह गया है, मामूली इंसान। Thank you.
ये क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए साहब, जो तूफान आपकी जिंदगी में आ गया है उसकी वजह से आप अपने आप को क्यों मिटा देना चाहते हैं? जिए तो किसके लिए? जिस मां ने जन्म दिया वही छोड़कर चली गई, एक मां मिली जिसने अपने आंचल में सारी दुनिया की नजरों से मुझे छुपा लिया, तुम्हारे भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया, कोई नहीं बचा जिससे मैं प्यार कर सकूं या कोई मुझसे प्यार कर सके। क्यों मधु जी आपसे प्यार नहीं करती क्या? उसका नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़िए वरना जज साहब के काले कोट पर सफेद धब्बा लग जाएगा, लोग समझेंगे कि एक हरामी के साथ रिश्ता जोड़कर जज साहब को कोड़ हो गया, जिस तरह हम भूल गए आप भी भूल जाइए कि इस दुनिया में हमारा कोई है। तो फिर तोड़ दो इन चूड़ियों को अपने हाथों से जिन्हें प्यार की कसमों के साथ तुमने मुझे पहनाई थी। मेरे गले में तो तुम मंगलसूत्र नहीं डाल सके, फांसी का फंदा तो डाल दो ताकि किसी और की बाहों में जाने से पहले मैं अपने आप को खत्म तो कर दूं। विजय, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। कोई किसी के लिए नहीं मरता मेम साहब, सभी जी लेते हैं, मेरी माँ भी मेरे बगैर कहीं जी रही है ना। एक औरत की गलती की सजा तुम दुनिया की तमाम औरतों को देना चाहते हो? विजय, मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं तुम्हारी गम मांगने आई हूं, मुझे वापस मत भेजना, मैं वो घर छोड़ के आई हूं जिस घर ने तुम्हें वो गम दिए हैं। विजय, मैं जीऊंगी भी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। हाँ विजय, तुम अपने आप चलकर मेरे पास आती हो या मैं इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? ये होश में आए तो इसे कह देना कि मैंने इसकी जिंदगी को मौत का लिबास इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि इस घर में रहने वाले के बहुत से एहसान है मुझ पर। दोबारा अगर इसने मेरे बीते हुए कल में झांकने की कोशिश की तो इसे आने वाला कल देखना नसीब नहीं होगा। आप विजय को कितना जानते हैं आज मैं ये जानकर रहूंगी। मेरे बेटे के खून से बदबू आती है और उस कमीने के पसीने से महक आती है। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। एक बाप अपने बेटे के खून को बहता हुआ देख सकता है मगर मां नहीं। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। अंधेरे में बैठकर अपना मुंह क्यों छुपा रहा है? अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो आकर इस मां से मुकाबला कर जिसका खून तूने पानी की तरह बहाया है। जा कहां रहा है? जवाब क्यों नहीं देता? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ा है? इसीलिए ना उसने कहा था तू इस दुनिया में जरूर आया है मगर बगैर किसी की मर्जी के। अरे तुझे तो तेरी मां भी पैदा करके खुश नहीं हुई। कोई मां अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग नहीं करती। तू उसके लिए बोझ था, इस धरती के लिए बोझ है। अगर तुझ में जरा सी भी गैरत है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा या तो अपने हाथों से अपना गला घोट ले।
से प्रॉमिस किया है तुम बाइक आस्ते चलाओगे। तो पता मुझे बहुत डर लगता है। ओहो बैठ जाओ देव प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आस्ते चलाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। बात कभी नहीं सुनते हो। और तुम मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनती हो। देखो सामने रोको, संभाल से चला। रुक क्यों गई? आगे बढ़िए और घोट दीजिए मेरा गला। सच कहती हैं आप, बिना पाप के नाम के जिंदगी बोझ बन गई है। जिस मां ने मुझे जन्म दिया उसने तो मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। आप ही थोड़ी देर के लिए मेरी मां बन जाइए और मुझे अपनी नाजायज औलाद समझकर मेरा गला घोट दीजिए। घोट दीजिए मेरा गला, मेरी मौत आपकी जिंदगी को खूब दुआएं देगी। घोट दीजिए मेरा गला, घोट दीजिए, घोट दीजिए मेरा गला। क्या बात है बहना, खाली हाथ वापस आ गई? मैंने तो सोचा था कि तुम अपने हाथों में उसके खून को मेहंदी की तरह लगाकर लौटोगी, उसकी जान ले लोगी तुम। बीस साल से वो मरा हुआ ही था मेरे लिए। क्यों कहा था मुझसे कि मेरा बेटा मर गया? ये तुम क्या बक रही हो, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। झूठ बोल रहे हो तुम। उस दिन भी तुमने झूठ बोला था और आज भी तुम झूठ बोल रहे हो। बहन मैं तुम्हारी सौगंध खाकर। तुम जैसे भाई में और एक कसाई में कोई फर्क नहीं है। अगर तुमने विजय की बाप की शक्ल देखी होती तो अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाते। ये देखो विजय कोई और नहीं, मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा है। क्यों कहा मुझसे कि मेरा बेटा मर गया है? क्यों एक मां की छाती से उसकी औलाद को अलग किया? पाप तुमने किया, सजा मिली मुझे और मेरे बेटे को। 20 साल से वो अपनी मां की गोद के लिए तरस रहा है, अपने बाप को अंधेरों में ढूंढ रहा है। तुझे तुझे तो अपना भाई कहते भी शर्म से सर झुका जा रहा है। बहना प्यारी, अभी तो तुम्हारा सर सिर्फ शर्म से झुक रहा है, लेकिन जिस दिन यह हकीकत तुम्हारे पति देव और तुम्हारे बेटे को पता चल गई ना, उस दिन यह जमीन फट जाएगी और तुम्हें जमीन की कोख में अपने आप को छुपाना पड़ेगा। और बहना प्यारी, 20 साल पहले भी मैंने तुम्हारा भला ही सोचा था। अगर उस दिन मैंने तुमसे ये कहा ना होता तो ये दुनिया, ये समाज तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी नाजायज औलाद को चीते जी मार देती। जिस तरह तुम्हारी नाजायज औलाद को तुम्हारे बगैर जीने की आदत पड़ गई है, उसी तरह बहना प्यारी तुम भी एक आदत डाल दो। इसलिए भूल जाओ कि देव नाम का कोई तुम्हारा प्रेमी था और भूल जाओ कि विजय नाम का कोई तुम्हारा बेटा भी है। तू लाया ना मुझे इस दुनिया में। अच्छा किया, अच्छी है तेरी ये दुनिया, अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर,
सीखे ओबरॉय जैसे देवता भी है यहाँ पर, मधु जैसी खूबसूरत हमसफर भी है। माँ, माँ नहीं, माँ को तो तूने मुझसे छीन लिया। क्यों छीन लिया मुझसे मेरी माँ को? क्यों छीन लिया? कोई तुझसे तेरी माँ को छीन ले तो कैसा लगेगा तुझे? तू भी खून के आंसू रोता जिस तरह मैं रोया, रोता ना? अगर मुझे इस दुनिया में लाना ही था तो मां की कोख के साथ साथ मां का प्यार भी देता, मेरे माथे पे मेरे बाप का नाम तो लिखा होता। मेरे नाम क्या? हेलो भाभी जी, डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ, भाभा हॉस्पिटल से। हाँ बोलिए। यह ओबराय को क्या हो गया है? क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? क्या हुआ उन्हें? एक गैर की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा, दो बोतल खून दे चुका है और कहता है कि विजय कुमार की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। विजय कुमार की जान? डॉक्टर डॉक्टर क्या बात है? विजय कुमार की नब्ज डूब रही है। बहना प्यारी, बहना प्यारी, अभी तो तुम्हारा सर सिर्फ शर्म से झुक रहा, शर्म से झुक रहा, लेकिन जिस दिन ये हकीकत तुम्हारे पति देव और तुम्हारे बेटे को पता चल गई ना, को पता चल, उस दिन ये जमीन फट जाएगी, जमीन फट जाएगी, और तुम्हें जमीन की कोख में अपने आप को छुपाना पड़े, आपको छुपाना पड़े। सिस्टर, डॉक्टर सक्सेना को इमीडिएटली फोन करो। यस सर।
इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। टेलीफोन पे आपने कहा कि मिस्टर विजय को उसकी हालत बहुत खराब है, आप मेरा स्टेटमेंट लेकर उन लोगों को अरेस्ट कीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर ब्रॉय, स्टेटमेंट तो मुझे विजय की लेनी पड़ेगी। लेकिन कैसे लेंगे आप उसका स्टेटमेंट? वो बेहोश पड़ा है, पता नहीं कब होश आएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या आप उसकी लाश का स्टेटमेंट देंगे? मैंने उन लोगों को देखा है। क्या आप उन लोगों को पहचान सकते हैं? मैं उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता हूँ। कौन है वो लोग? यूनियन लीडर संपत, मेरा साला जगत और राजा ओबेरॉय। राजा ओबेरॉय, वो तो आपका बेटा है। मेरा बेटा है तो क्या उसे खून करने का लाइसेंस मिल गया है? किसी की भी जान ले सकता है। आप उसे अरेस्ट कीजिए और उसके साथ वही सलूक कीजिए जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है। डॉक्टर साहब, विजय कैसा है? बच तो जाएगा ना? कौन? हेलो, विजय कैसा है? मैं पूछ रही हूँ विजय कैसा है, आप जवाब क्यों नहीं देते? कैसा है विजय? मर गया विजय। नहीं, 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 किसको? ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। शारदा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। इस घर में जश्न बनाओ, ठीक है, चराग जलाओ, गरीबों और यतीमों को भरपेट खाना खिलाओ, क्योंकि आज इस घर के, इस परिवार के दुश्मन की मौत जो हुई है। वो हमारा कोई रिश्तेदार तो था नहीं, हमारा सगा संबंधी होता तो हम उसके लिए आंसू बहाते, उसका मातम करते, लेकिन वो हमारा ही नहीं, इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं था, ना किसी का दोस्त, ना किसी का भाई और ना ही किसी का बेटा। तो फिर ऐसे लावारिस के लिए आंसू क्यों बहाना? अरे उसके लिए तो उसकी मां ने आंसू नहीं बहाया होगा, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि मैं ही उसकी मां हूं, इस कोख से मैंने ही उसे जन्म दिया है। मुझे भी मार डालो, मुझे नहीं जीना है, मुझे भी मार डालो, मुझे मार। मैंने तुम्हें ये थप्पड़ इसलिए नहीं मारा कि तुमने नाजायज औलाद को जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि उसे जन्म देने के बाद तुमने उसे मां का प्यार नहीं दिया, उसे मां की ममता नहीं दी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला था, कहा कि मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला विजय मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है। और जब पता चल ही गया था तो फिर तुमने उसे अपनाया क्यों नहीं? मैं डरती थी कहीं ये समाज, आपकी इज्जत। समाज, इज्जत, इंसान की जान से बढ़कर है ये समाज और इज्जत? बाप के खून और मां के दूध से ज्यादा कीमती है क्या ये समाज और इज्जत? तुम्हें मुझसे आकर कहना चाहिए था कि विजय तुम्हारी नाजायज औलाद नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार की निशानी है। तो क्या आप मुझे माफ कर देते? क्या था सीके उबेराय भी तुम्हारी तरह इंसान है, भगवान नहीं। अगर तुम गलती कर सकती हो तो मैं भी गलती कर सकता हूं। मैं विजय को सिर्फ अपनाता ही नहीं बल्कि उसे अपना नाम भी देता। मैं ही बदनसीब नहीं,
मेरा विजय भी बदनसीब था। काश अगर वो आज जिंदा होता तो अपने साथ उसका भी सर अपने कदमों में डाल देती। तुम्हारा विजय जिंदा है शारदा। मेरा बेटा जिंदा है तो फिर आपने मुझसे झूठ? मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला था ताकि तुम्हारी सोई हुई ममता को जगा सको। ये राज तो मैं शुरू से ही जानता था। चलो शारदा, हॉस्पिटल में तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप इंसान नहीं देवता है। अगर मैं अपने बेटे को देखते हुए थोड़ी देर के लिए आपको भूल जाऊं तो मुझे माफ कर देना। आओ। ये है विजय का कमरा, जाओ। आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम अपने बेटे के साथ अकेले में मिलो। मैं डॉक्टर के पास होकर आता हूं। तुझसे मिलने आई है वो अभागन माँ जिसने तुझे जन्म तो दिया। मैंने तुझे अपने से दूर नहीं किया। मुझसे तो कहा गया था, मुझसे तो कहा गया था तू कि तू हे भगवान। मैं झूठ नहीं बोल रही मेरे बेटे, मेरा विश्वास कर। आंखें खोल, मेरे सीने से लगकर मुझे एक बार कह दे कि माँ तू निर्दोष है। आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल। विजय, विजय, आंखें खोल मेरे बेटे। मैंने तो अभी तुझे जी भर के देखा भी नहीं है। आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल, खोल आंखें मेरे बेटे। देखिए, सुनिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, आप चलिए। नहीं मेरे बेटे, चलिए, इन्हें आराम की जरूरत है। आइए, खोल मेरे प्लीज। आगे विजय, देख तेरी माँ तुझसे मिलने आई है, वो अभागन माँ जिसने तुझे जन्म तो दिया मगर अपनी छाती का दूध ना पिला सकी। मैंने तुझे अपने से दूर नहीं किया, मुझसे तो कहा गया था, उसे तो कहा गया था। जी हाँ। वैसे एक बात है ओबेरॉय, तुम्हारे खून ने विजय को एक नई जिंदगी दी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। कहाँ गए शारदा? सर आपका फोन। हेलो। जीजा जी, मैं बोल रहा हूँ, दीदी हमारे कब्जे में। क्या? जी, मंदिर के पीछे वाले खंडर में आ जाइए, दीदी आपको वहाँ हिफाजत से मिलेगी, देर मत करना वरना। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, पुलिस को खबर की तो दीदी की लाश को कौवे खाए। दीदी तेरा मियाँ दीवाना, हाय राम लाएगा मेरा दाना, हाय राम लाएगा मेरा दाना। दीदी तेरा मियाँ दीवाना, हाय राम लाएगा मेरा दाना।
आया। चलो चलो। जीजा चला आए जेब में माल लेकर आए रे। जगत प्रणाम जीजा जी। प्रणाम। साले की इस नादानी को माफ कर दीजिए। अरे भैया देख क्या रहे हो, इनकी तलाशी लो, कहीं बॉडी पे बम बम बांध के तो नहीं है? क्यों देखो देखो देखो, कोट के अंदर क्या है, पैंट के नीचे क्या है, देख 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 देख, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या आलू छिलने आए हो? हरामजादे, मैं तेरी जान ले लूंगा। ओबराय साहब, ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा कि हमें आपकी प्यारी बीवी की जान लेनी पड़े। हाथ लगा के तो देख, जिंदा जमीन में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम भी सीखे ओबराय नहीं। हाथ लगाने की बात कौन कर रहा है ओबराय साहब? हमारी कमजोरी औरत नहीं, हमारी कमजोरी तो पैसा है, पैसा। और ये पैसे के लिए हम अकेले नहीं आए हैं, भांजा भी लाए हैं, वो देखिए आप ही का खून। एट योर सर्विस मिस्टर सीके ओबराय। राजा, देखा शारदा, जिसे हमने मंदिरों की चौखटों पर माथा रगड़ रगड़ कर मांगा था, वो बेटा कैसे निकला? बेटा? मैं आपका बेटा कहा हूं मिस्टर सी के ओबराय? आपका बेटा तो वो है विजय, विजय, जिसको मैंने अपने हाथों से मौत के मुंह में ढकेल दिया है। अरे पागल, जिसे तू अपना दुश्मन समझ रहा है वो तेरा अपना भाई है, मेरा पहला बेटा। हाँ, अपने गंदे खून से मेरे खून को मत मिलाओ मिसेस सी के ओबराय। खबरदार, जो विजय के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो बोल, तुझे क्या चाहिए बोल। जीजा जी, भांजा मेरा अभी बच्चा है, इस खेल में थोड़ा कच्चा है, इसलिए ये बॉफर्स की गंडिल मैं करूं। बंदूक तो आप लाए नहीं होंगे लेकिन पेन तो लाए हैं ना, आपको इस कागज पे हस्ताक्षर करने हैं। क्या लिखोगे इस कागज पर? इसमें हम लिखेंगे कि आप आपकी जिंदगी की पूरी कमाई राजा ओबेरॉय के नाम कर रहे हैं आपकी मर्जी से, और बाद में आप दोनों तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं हमारी मर्जी से, कीजिए। तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा पर पहले तुझे शमशान घाट पहुंचाकर। ओबेरॉय, साइन कर दो या फिर इसकी खोपड़ी उड़ा दूं। जल्दी करो मिस्टर सी के ओबराय, कहीं ऐसा ना हो कि एक बेटे के हाथ अपने माँ बाप मर जाए। कीजिए। माँ बाप को तो उसी दिन मर जाना चाहिए था जिस दिन तेरे जैसा कपूत पैदा हुआ था। ओ बहना देख, आ देख, तेरा मियां बिगड़ा जाए, देख देख देख। ये क्या किया आपने? मेरे लिए अपनी जिंदगी की सारी दौलत लुटा दी। बुढ़ापे में आदमी दौलत पर नहीं औलाद पर भरोसा करता है, जब औलाद ही। अभी नहीं मिस्टर सी के ओबराय, अभी तो आपको मेरी शादी में शामिल होना है, आशीर्वाद नहीं देंगे? शादी? जी हाँ मामा जी। भांजे जी, जरा मिसेस सी के ओबराय की बहू को तो पेश किया जाए। आहा, रुक्मणी रुक्मणी, शादी रुकी, जल्दी आ जा। हाँ।
मधु आंटी प्लीज मुझे बचा लीजिए। देख तुझे दौलत चाहिए थी वो मैंने तुझे दे दी। मधु विजय की अमानत है, इसे छोड़ दे। मैं नए जमाने का सैंपल हूं मिस्टर सी के ओबेरॉय। जो चीज प्यार से नहीं मिलती उसे छीन लेता। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है सख्त सख्त। और मैं पुराने जमाने का सैंपल हूं, जबान के लिए सर कटा सकता हूं। ओबेरॉय साहब आगे आगे क्या होता है चुपचाप देखते रहिए। जिस मांग में तुम विजय के नाम का सिंदूर भरना चाहती थी, आज उसी मांग में मैं अपने नाम का सिंदूर भरूंगा। नहीं, नहीं। तू लक्ष्मण है मेरे बेटे, अगर सीता की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आग में जलकर राख हो जाएगा। इसकी मांग में सिंदूर भरने से कौन रोकेगा मुझे? विजय हरामजादो देख के रह रो, उड़ा दो उसे। यो को सुना, पकड़ो साले को। विजय बेटे, दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले, ये ले पैसा। कौन? आप ही का? हराम खोर,
तेरे जैसी औलाद हम पे लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। सामने से हट जाइए डैड, सामने से हट जाइए, वरना गोली मारेगा मुझे। मार, मार गोली। रुक जाइए डैड। नहीं डैड, रुक जाइए डैड। यही है ना वो हाथ जिससे तूने अपनी मां को उठाकर आग में फेंका था। यही है ना वो लात जो तूने अपनी मां की कोख पर मारी थी, वो कोख जिसने तुझे जन्म दिया था। डैड, आप मुझे गोली नहीं मार सकते डैड, मैं आपका बेटा हूं डैड। तो जैसी नालायक औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। नहीं डैड, आप मुझे गोली नहीं मार सकते, आप मुझे गोली नहीं मार सकते डैड। नहीं नहीं डैड। विजय, विजय, बेशक ऐसा नहीं हो सकता। विजय, विजय, विजय तू ठीक तो है ना, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ। बेटा, विजय, सुना आपने, इसने मुझे माँ कहा। रो मत शारदा, आज के बाद ये तुझे हमेशा माँ ही कहेगा। क्यों बेटा? मेरा बेटा। राजा, भैया मुझे माफ कर दो। भाई की जगह पैरों में नहीं, दिल में होती है। भैया, I'm sorry, Dad. Sorry, Dad.